मोदी सरकार के 3 साल को बाजार ने भी सलामी दी है। आज के कारोबार में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 31,000 के स्तर के पार निकल गया, वहीं निफ्टी ने 9,600 के लेवल को भी पार कर लिया था। बाजार अपने नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड स्तर बनाया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 278 और निफ्टी 85 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी रही और बीएसई मेटल इंडेक्स करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं ऑयल एंड गैस, पावर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी रही। हेल्थ केयर को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस, मार्केट की रिफॉर्म्स, एक ओवरऑल लिक्विडिटी ड्रिवन, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर आज मार्केट को इफोरिक नहीं करके एक सस्टेनेबल मार्केट के रूप में आज अपने को नजर आ रहा है। कभी 6 महीना 1 वर्ष के लिए देखना मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में जो सेंटिमेंट्स के कारण उतार चढ़ाव होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इवेंट्स के कारण उतार चढ़ाव होते हैं। परंतु आप जैसे 3 साल का, मैं अभी भी वही होल्ड करता हूँ कि 3 साल में 50,000 जो है इंडेक्स जा सकता है।